गोल साहब कल ही मेरी एक ही सब से बात हुई है और मैंने उनको टाइम दे दिया है। अरे भाई ये तो छापे लुक मारे गए हैं, मैं बता के मारू आप। मैंने प्रशासन को कह दिया कि अगर देश जिस दिन भी मैं ऑफिस में आ गया और कोई भाई पेंटिंग पाई वो भैया ने पहचान लिया। कोई भी भाई अगर मेरे लोगों में किसी काम की अगर वो नहीं हो सकता तो कैसे करो, अगर हो सकता उस भाई को किसी भी अधिकारी का किसी कर्मचारी का 24 घंटे है ज्यादा अपने टेबल पर मुझे रखी मिल गई साथ के साथ सारे पाके सारे अधिकारी पर उस सामने कार्रवाई करनी पड़ेगी बबली इंच के लगी। हरियाणा के नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली जब से प्रदेश सरकार की कैबिनेट में शामिल हुए हैं तब से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार सुर्खियां बन रहे हैं। देवेंद्र बबली का सोशल मीडिया पर एक बार फिर से वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने सरकारी विभागों में बैठे उच्च अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसी अधिकारी ने पद पर रहकर किसी काम की फाइल को 24 घंटे तक पेंडिंग में रखा तो उन अधिकारियों के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। अधिकारियों को चेतावनी देते हुए मंत्री जी का ये वायरल हो रहा वीडियो आप भी देखिए, कैसे कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए देवेंद्र बबली अधिकारियों को चेता रहे हैं। गोल साहब कल ही मेरी एक ही सबसे बात हुई है और मैंने उनको टाइम दे दिया है। अरे भाई ये तो छापे लुक मारे गए, मैं बता के मारू आप। मैंने प्रशासन को कह दिया अगर अगले जिस दिन भी मैं ऑफिस में आ गया और कोई भाई पेंटिंग पाई भैया ने पहचान लिया। कोई भी भाई अगर मेरे लोगों में किसी काम की अगर वो नहीं हो सकता तो कैसे करो, अगर हो सकता उस भाई को किसी भी अधिकारी का किसी कर्मचारी का 24 घंटे है ज्यादा अपने टेबल पर मुझे रखी मिल गई साथ के साथ सारे पार के सारे अधिकारी पर उन सामने कार्रवाई करनी पड़ेगी बबली इंच के लगी। मैं कैसे दिखाऊंगा अधिकारियों को मैं रिक्वेस्ट कर ली अपने देश दे दिए और आने वाले समय में आगे भी तुम्हारा कार्रवाई नहीं करूंगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, थोड़े से क्लियर हो जाओ जामी पहला जेल में करी बंद करूंगा, वादा है आप लोगों से बंद करूंगा, मैं करूंगा आपके साथ के साथ करूंगा आपके सहयोग के साथ करूंगा। सबसे जो मैं इलाज मांग सकूं वो जब सर मेरे दायरे में थे तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी का क्या करोगे, बोला इनका इलाज मैं बंद हुआ। बहुत बड़ी बात मुख्यमंत्री जी ने कही है, अगर वैसे सारे गड़बड़ नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो खराब करते हैं, 100 में से 5% लोग हैं, 2% लोग हैं, इससे ज्यादा नहीं है। सारे अधिकारी भी बुरे नहीं होते, अधिकारी बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन इस तरह के जो लोग हैं अब सरकार पूरे शक्ति से उसे निपटेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सुना आपने, मंत्री जी साफ लहजे में अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि होने वाले काम की फाइल को किसी अधिकारी ने 24 घंटे से अधिक समय लगाया तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बबली ने कहा कि प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, जिन भी अफसरों ने कुछ गलत किया उसके खिलाफ पूरी सख्ती से कार्रवाई करने की बात मुख्यमंत्री ने भी कही है। बबली ने कहा कि कुछ 2-4% अधिकारी ही ऐसे काम करते हैं जिन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। बबली का ये बयान सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो टोहाना के मलक मोदी धर्मशाला में समाज सेवी रमेश गोयल द्वारा आयोजित कार्यक्रम का बताया जा रहा है, जिसमें जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने भी शिकायत की थी। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।